जिनके साथ में घटना हुई है उनका क्या नाम? अतुलेश कुमार। क्या हुआ था मामला पूरा बताएं। मामला ये हुआ था सर, जो यहाँ के पार्षद हमारे के वार्ड नंबर 7 के, वो हमारे घर पर आए। क्या नाम है उनका पार्षद? एक का नाम अनु शर्मा है, उसका भाई एक आशुतोष शर्मा, एक संजीव शर्मा है, एक उनका लड़का है करी शर्मा, और दो तीन लोग और थे, उनको हम मतलब नाम से नहीं जानते, शक्ल से जानते हैं। वो थे हमारे घर पर आए, हमारे घर पर हमारा भाई को उन्होंने जबरदस्ती हाथापाई करी, मारा, उन्होंने वो जहरीला पदार्थ दे दिया, और हम सबसे ऊपर थे, हम ऊपर से नीचे आए, हमने शोर मचाया तो ये लोग सब भाग गए। इतने हमने उनको उठाया, फिर हम अस्पताल लेके गए, अस्पताल में थोड़ा ट्रीटमेंट हुआ, वहाँ पर उनकी डॉक्टरों ने मृत्यु घोषित कर दिया। डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने बताया कि कोई जहरीला पदार्थ दिया हुआ है। आप मौजूद वहाँ पे थे? जी मैं मौजूद था। कौन कौन लोग आए थे आपके घर में? अनु शर्मा जो यहाँ के पार्षद हैं, उनका छोटा लड़का अनु शर्मा, बड़ा लड़का आशुतोष शर्मा, उनका एक पड़ोसी है मतलब परिवार का ही, जिसका नाम संजीव शर्मा है, एक उनका लड़का है कनी शर्मा। क्या कर रहा था उनके साथ में? जी जिनकी मौत हो गई है उनके साथ में क्या करा उन लोगों ने? पहले मारपीट करी, फिर उन्हें कोई मतलब कोई जहरीला पदार्थ दे दिया, जिससे वो एकदम से मतलब नीचे गिर गए। जैसे ऊपर से आए, हमने शोर मचाया तो सब लोग भागे, हम उठा करके अस्पताल लेके गए, अस्पताल में एडमिट कराया, सरकारी अस्पताल में। आप कौन है उनके? मैं भाई हूँ, सबसे छोटा। भाई बच्चे की मौत हुई है, क्या पूरा मामला था उसमें, किस तरह की कार्रवाई? देखिए एक ये प्रकरण कल का है, इसमें एक संविदा कर्मी आउटसोर्सिंग पर थे, जो एक व्यक्ति अतुलेश यहाँ नगर निगम में काम कर रहे थे, वो ड्राइवरी का, कल उनकी किसी व्यक्ति से यहाँ पर वो झगड़ा हुआ था। बताया गया कि वो यहाँ जो पार्षद है उनके बेटे से उनकी किसी बात पर कहासुनी हुई थी, और वो लोग उनके यहाँ आए भी थे, इस तरह की बात सामने आई है। उसके बाद ये जो अतुलेश थे, इनकी तबीयत ख़राब हुई और इनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। इनकी बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया है। प्रथम दृष्टया ऐसा संज्ञान में आया है कि इसी वजह से इनसे कुछ कहासुनी हुई होगी, उसको लेके जो जहर कोई पॉइजन इनके द्वारा लिया गया है। बाकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो भी तथ्य आएंगे उसको हम लोग विवेचना में शामिल करेंगे। जो परिजन है उनकी ओर से जो तहरीर दी गई थी उसके तहत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, और बाकी शेष कार्रवाई हम लोग जो भी तथ्य आएंगे संज्ञान में उत्थान कर। उसके मृतक के परिजन कुछ आक्रोशित थे, उनकी कुछ शिकायतें थी, उनको समझाया गया और यहाँ से वो चले गए हैं, और अभी अभियोग पंजीकृत करके इसमें अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी। मृतक के परिजनों की तरफ से सर एलिगेशन है कि उनको कुछ जहरीला पदार्थ खिला दिया, जो मारपीट करने आए थे। सभी तथ्य विवेचना के दौरान ऊपर जो भी साक्ष्य आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अब आश्वासन क्या दिया गया? उनको ये बताया गया कि इसमें साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष विवेचना होगी और कार्रवाई होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।